जाति के खिलाफ लड़ाई में एप्पल कंपनी आई साथ। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में जाति के खिलाफ छिड़ी मुहिम। अब एप्पल कंपनी में जाति भेद के खिलाफ बनी पॉलिसी। अपने आईफोन, आईमैक और मैकबुक जैसे गैजेट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर एप्पल कंपनी ने जाति के खिलाफ लड़ाई में हाथ आगे बढ़ाया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल इंक ने जाति के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जाति भेद को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई है। इसका मतलब ये है कि अब एप्पल के दफ्तर में अगर कोई सवर्ण कर्मचारी किसी भी अन्य दलित कर्मचारी से उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो ना सिर्फ उसकी नौकरी जा सकती है बल्कि उसे कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अब अपने यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैदा हुई जाति की समस्या से लड़ने के लिए एप्पल ने पॉलिसी बनाई है। यूं तो जाति भारत में पैदा हुई थी लेकिन जातिवाद की ये समस्या सिलिकॉन वैली के कर्मचारियों को भी प्रभावित कर रही है। यानी दुनिया की दिग्गज कंपनियां भी अब मान रही हैं कि भारत के सवर्ण कर्मचारी दुनिया में जहां भी जा रहे हैं वहां जातिवाद की बीमारी फैला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में आगे कहा गया है, भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था से निपटने के लिए अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां क्रैश कोर्स चला रही हैं। एप्पल कंपनी जातिवाद से निपटने के मामले में प्रमुख रूप से उभरी है। जाति व्यवस्था ने भारतीयों को ऊंच नीच के क्रम में बांटा हुआ है। एप्पल ने 2 साल पहले ही अपनी जनरल एम्प्लॉय कंडक्ट पॉलिसी में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन कर दिया था। इस पॉलिसी में नस्ल, धर्म, जेंडर, उम्र आदि के आधार पर भेदभाव भी वर्जित है। यानी अब अमेरिकी कंपनियां नस्ल के साथ साथ जाति के आधार पर भेदभाव को भी स्वीकार करते हुए उससे निपटने के लिए नीतियां बना रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, भारत के सवर्ण दुनिया में जहां भी जाएंगे जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति पूरी दुनिया की समस्या बन जाएगी। बाबा साहब की बात सच साबित हुई और दुनिया में जहां भी सवर्ण भारतीय हैं वहां जाति की समस्या एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। साल 2020 में अमेरिका की सिस्को कंपनी में भी जाति भेद का मामला सामने आया था। तब वहां 2 सीनियर सवर्ण कर्मचारियों को एक दलित इंजीनियर के साथ जातिगत भेदभाव करने और उसके करियर में अड़ंगा लगाने का दोषी पाया गया था। ये मामला अदालत तक जा पहुंचा था जिसके बाद सिलिकॉन वैली में जाति की समस्या पर गंभीरता से चर्चा होने लगी। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले दलित बहुजन कर्मचारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके साथ काम करने वाले सवर्ण कर्मचारी उनके साथ भेदभाव करते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मैनेजिंग एडिटर साइमन रॉबिन्सन ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, रॉयटर्स ने अमेरिका की टेक कंपनियों में काम करने वाले 20 दलित कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। उन्होंने बताया कि उनके गोत्र, जन्मस्थान, खान पान और धार्मिक मान्यताओं के कारण उनके सहकर्मियों ने उन्हें नौकरी देने, प्रमोशन देने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में नजरअंदाज किया है। पिछले दिनों बीबीसी की भी रिपोर्ट में सामने आया था कि अमेरिका में सवर्ण जातिगत भेदभाव करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में एक दलित कर्मचारी ने बताया था कि उसके सीनियर उसके कंधे और कमर पर हाथ मारकर ये देखते हैं कि उसने जनेऊ पहना है या नहीं। कर्मचारी ने ये भी बताया था कि कैसे सवर्ण कर्मचारी उसे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ले जाते थे ताकि जब वो कपड़े उतारे तो वो उसका जनेऊ देख सकें। भारत के सवर्ण जातिवादियों ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करवा दिया है। वो हर जगह जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। अमेरिका में अब SC/ST एक्ट की तर्ज पर जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाने तक की मांग उठने लगी है। हालांकि अभी तक अमेरिका के कानूनों में जातीय भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अब अमेरिकी संस्थान अपने स्तर पर एंटी कास्ट पॉलिसी बना रहे हैं। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी पहले ही अपने कैंपस में एंटी कास्ट पॉलिसी लागू कर चुकी हैं, यानी वहां पर जातिगत भेदभाव करना अपराध है। हालांकि जिन कंपनियों के बड़े अधिकारी भारतीय हैं, वहां अभी भी एंटी कास्ट पॉलिसी नहीं बन रही। जैसे पिछले दिनों गूगल में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी
जिसमें थेनमोजी सुंदर राजन को एक प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन गूगल के सवर्ण भारतीय कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस को ही कैंसिल कर दिया गया। तब गूगल के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई पर जातिवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगा था। सुंदर पिचाई तमिल ब्राह्मण हैं और उन पर आरोप लगा था कि वो जानबूझकर जाति की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब वो जातिवाद को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब एप्पल ने जाति के खिलाफ लड़ाई में अहम कदम बढ़ा दिया है, जिससे गूगल जैसी कंपनियों पर भी एंटी कास्ट पॉलिसी बनाने का दबाव बढ़ेगा। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने ट्विटर पर लिखा, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। भारत की कुल GDP से थोड़ा ही कम इसका मार्केट कैप $2.7 trillion है। एप्पल में आज एम्प्लॉय कंडक्ट पॉलिसी में बदलाव कर जाति भेद पर रोक लगा दी है। भारतीय कंपनियां अभी मानने को ही तैयार नहीं है कि जातिवाद है। कहां हो फिक्की और CII, यानी जातीय पूरी दुनिया की समस्या बनती जा रही है। ऐसे में एप्पल जैसी कंपनियों का जाति के खिलाफ कड़ा कदम उठाना सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि नस्लवाद की तरह जातिवाद के खिलाफ भी पूरी दुनिया एकजुट होगी और जाति आधारित भेदभाव पर लगाम लगाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।